जिस इंडियन आर्मी पे हमें इतना गर्व है, जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करती है, वो आज होती ही नहीं। और इसके पीछे होती गांधीवादी सोच। मेजर जनरल अजीत रुद्रा अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि आजादी के कुछ ही दिन बाद आर्मी चीफ जनरल लॉकहार्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से डिफेंस पॉलिसी पे डायरेक्शन लेने जाते हैं। जनरल लॉकहार्ट की बात सुन जवाहरलाल नेहरू गुस्से में चिल्ला उठते हैं, रबिश, टोटल रबिश, हमें कोई डिफेंस पॉलिसी की जरूरत नहीं, अहिंसा हमारी पॉलिसी है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए काफी है, तो आर्मी को रद्द कर दो। उस वक्त उनकी आंखों पे अहिंसा और नोबेल पीस प्राइज की पट्टी बंधी थी, लेकिन जल्दी ही वो पट्टी खुलने वाली थी। 1947 में ही पाकिस्तान ने वजीरिस्तान से आदिवासी लश्कर मिलिटेंट्स को कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया और 1948 में पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियली जंग में उतर जाती है। जब पाकिस्तान कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा कब्जा लेता है, तब जाके सबको एक डिफेंस पॉलिसी की जरूरत समझ में आती है। इसी कश्मीर वॉर की वजह से इंडियन आर्मी आज अस्तित्व में है।